नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो है ड्यूअल पावर सप्लाई के बारे में। ये ड्यूअल पावर सप्लाई क्या होती है? दोस्तों, वी माइनस और वी प्लस की सप्लाई होती है वो ड्यूअल पावर सप्लाई होती है, और ड्यूअल पावर सप्लाई का प्रयोग ज़्यादातर प्री एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर बनाने के लिए काम में लिया जाता है। दोस्तों, ड्यूअल पावर सप्लाई बनाने के लिए दो पावर सप्लाइयों को जोड़ करके भी ड्यूअल पावर सप्लाई बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए दो पावर सप्लाइयों की आवश्यकता होती है। मैं आज आपको एक ही पावर सप्लाई में ड्यूअल पावर सप्लाई कैसे बनाते हैं वी माइनस और वी प्लस की। मेरे पास कमेंट भी आते हैं, मुझे 12012 की सप्लाई बना करके दिखाओ। तो ये डीटी फ्री डिस्क की जो पावर सप्लाई होती है, इसमें अलग अलग सप्लाई होती है, लेकिन इसमें वी माइनस की सप्लाई नहीं है कोई भी, इसमें पॉजिटिव सप्लाई है। और ये डीटी फ्री डिस्क की ही पावर सप्लाई है, और मैं इस पावर सप्लाई को केवल 5 वोल्ट के लिए ही बना रखा है। इसको मैं आज 12012 की पावर सप्लाई बनाएंगे। तो सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल लेते हैं और इसकी वाइंडिंग को दोबारा करेंगे, और मैं इसका सर्किट डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको। तो इसको वाइंडिंग कैसे करते हैं, पहले मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। अब इस ट्रांसफार्मर को खोल लेते हैं और इसकी वाइंडिंग को निकाल लेते हैं पूरी को, और फिर इसको दोबारा से ही वाइंडिंग करेंगे। ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग करने से पहले इसके सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं, जो वाइंडिंग करने में थोड़ा इजी रहेगा। सर्किट डायग्राम को देखें, यहाँ पर जो इस SMPS में सप्लाई देते हैं AC इनपुट सप्लाई, वो पहले फ्यूज़ पर आएगी। फ्यूज़ के बाद में ये एक कॉमन मोड ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इस पर आएगी। फिर उसके बाद में ब्रिज रेक्टिफायर पर आएगी। ये ब्रिज रेक्टिफायर का नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव पर एक 22 माइक्रोफेरेड 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये इसका ट्रांसफार्मर है इस SMPS का। इस पर टोटल 5 वाइंडिंग है। इसकी एक वाइंडिंग होती है वो स्विचिंग वाइंडिंग होती है। इस स्विचिंग वाइंडिंग पर जो टर्न लगाएंगे वो 36 नंबर के 110 टर्न लगाएंगे, और ये वाइंडिंग है इसकी, ये एक्स सप्लाई वाइंडिंग है जो इस IC को सप्लाई देती है, VCC सप्लाई, वो ये वाइंडिंग है। इस पर 15 टर्न लगाएंगे। इन दोनों वाइंडिंग पर जो वायर गेज लगाएंगे वो 36 SWG या 35 SWG लगा सकते हैं, सही काम करेगा। और ये 3 वाइंडिंग है, ये आउटपुट की वाइंडिंग है। जो ये 2 वाइंडिंग है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई की वाइंडिंग है, जिस पर 12012 की सप्लाई लेंगे। और यहाँ पर ये 4 टर्न वाली वाइंडिंग है, ये वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए लगाई है इसमें। और यहाँ पर ये 10 किलो ओम का प्रीसेट है, इससे आउटपुट में वोल्टेज सेट करेंगे। जैसे जैसे इस प्रीसेट को घुमाएंगे तो आउटपुट में ये सभी वोल्टेज चेंज होंगे। ये 5 वोल्ट भी चेंज होगा इसका, और ये भी चेंज होगा। जिस वोल्टेज स्केल पर रखना है उस प्रीसेट से सेट कर सकते हैं इस वोल्टेज को। और यहाँ पर वाइंडिंग में देखेंगे तो ये डॉट बने हुए हैं यहाँ पर। तो ये जो डॉट होते हैं वाइंडिंग में, ये वाइंडिंग का फर्स्ट सिरा है। जैसे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करेंगे, यहाँ पर इस वायर को लगाएंगे तो ये डॉट हो गया, और इसको वायर को ऐसे घुमाएंगे और इस पिन वाली साइड को बाएँ हाथ की तरफ ही रखेंगे। अगर इसको गलत कर देंगे वाइंडिंग को तो ये वोल्टेज नहीं निकालेगी, तो इसको सही तरीके से ही करेंगे तो ये सही निकालेगी वोल्टेज। और यहाँ पर ये IC है, इसकी एक रेजिस्टेंस होती है इसमें स्टार्ट करने की रेजिस्टेंस, वो इस IC में आवश्यकता नहीं है उसकी, वो कई IC में लगती है, जैसे वाइपर 22A IC में लगती है स्टार्टअप के रेजिस्टेंस। पॉजिटिव से इस VCC सप्लाई पर एक रेजिस्टेंस लगती है, वो इसमें आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगी। और इस सर्किट डायग्राम की तरह ही इसको वाइंडिंग करेंगे। इस ट्रांसफार्मर की मैंने सभी वाइंडिंग निकाल दी है, और यहाँ पर देखेंगे इसकी ये 2 पिन है, ये दोनों पिन VCC वाइंडिंग की पिन है दोनों, और ये दोनों पिन इसकी SW वाइंडिंग पिन है, यानी स्विचिंग वाइंडिंग की पिन है। मैंने यहाँ पर सर्किट डायग्राम में जो बताया, वाइंडिंग का स्टार्टिंग सिरा यहाँ पर जुड़ेगा इसका, और इसको घड़ी की तरह वायर को घुमाएंगे,
और बोबिन का जो पिन वाली साइड है इसको बाएं हाथ की तरफ ही रखेंगे। मैं इसकी वाइंडिंग को स्टार्ट करता हूँ। ये 36 SWG का वायर है, 36 नंबर का। अब इसमें आउटपुट 1 का पहला सिरा यहाँ पर जोड़ेंगे और दूसरा सिरा यहाँ पर जुड़ेगा इसका। अब ये इसकी आउटपुट 1 वाइंडिंग हो गई है और इसको इंसुलेशन कर देते हैं अभी। और 12 वोल्ट प्लस माइनस के लिए ये दो वायर पैरेलल में लेंगे और इसको ऐसे वाइंडिंग करेंगे। अब इसमें VCC वाइंडिंग कर लेंगे। अब इसकी सभी वाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। अब पहले जो इसकी 5 वोल्ट वाली वाइंडिंग है इसको टेस्ट करते हैं। इसको सीरीज लैंप में ही लगाएंगे पहले। अब यहाँ पर 5 वोल्टेज आ गया है और अब इसमें डायोड और कैपेसिटर और लगा देते हैं इन दोनों सप्लाईयों में। अब इस SMPS में सर्किट डायग्राम की तरह ही सभी कंपोनेंट को लगा करके सोल्डिंग कर दिया है और वोल्टेज सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर यह 10 किलो ओम का प्रीसेट लगा दिया है। इससे आउटपुट में वोल्टेज सेट करेंगे और यहाँ पर यह दो रेजिस्टेंस लगाई है,
इन दोनों कैपेसिटरों पर लगाइए। डिस्चार्ज रेजिस्टेंस है ये दोनों, ये 1 kΩ यानी हाफ वाट की रेजिस्टेंस है दोनों। इस SMPS को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से पहले जो इसमें सप्लाई देंगे वो सीरीज लैंप की सहायता से ही सप्लाई देंगे। पहले इसमें AC वोल्टेज टेस्ट करते हैं। AC वोल्टेज आ रहे हैं 230 वोल्टेज, और जो इसमें 5 वोल्ट वाली लाइन है वहाँ पर वोल्टेज टेस्ट करेंगे तो 4.96 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं। और अब 12 वोल्टेज प्लस और माइनस वाली लाइन पर वोल्टेज टेस्ट करते हैं। ये माइनस वाली साइड में आ रहे हैं 10.8 वोल्टेज, और प्लस वाले साइड में आ रहे हैं 11.26 वोल्टेज आ रहे हैं। ये इसमें थोड़े ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और लगा देंगे, ये डिस्चार्ज रेजिस्टेंस, थोड़े वोल्टेज सेट हो जाएंगे इसमें। कई बार क्या होता है कैपेसिटर का भी कम ज़्यादा माइक्रोफेरेड होता है थोड़ा बहुत, तो हो सकता है ये थोड़ा बहुत वोल्टेज। अब वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। पॉजिटिव साइड में 10.9 वोल्टेज आ रहे हैं और नेगेटिव साइड में 10.8 वोल्टेज आ रहे हैं, यानी 0.1 वोल्टेज का अभी भी डिफरेंस है। अब इसके मैं थोड़े वोल्टेज और बढ़ाता हूँ। अब वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। पहले 5 वोल्ट वाली लाइन पर टेस्ट करेंगे वोल्टेज को, तो यहाँ पर 4.8 वोल्टेज आ रहे हैं। इस साइड में देखेंगे नेगेटिव साइड में तो माइनस 12.4 वोल्टेज आ रहे हैं, और इस साइड में 12.5 वोल्टेज आ रहे हैं। और आपस में वोल्टेज टेस्ट करेंगे प्लस माइनस में, तो ये 24 वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें जो फुल वोल्टेज स्केल है इसका वो भी टेस्ट करते हैं कितना पहुँचता है। इसका फुल वोल्टेज स्केल 31 वोल्टेज आ रहे हैं DC, और प्लस माइनस पर भी टेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर माइनस 15.2 वोल्टेज आ रहे हैं, और यहाँ पर 15.4 वोल्टेज, और 5 वोल्ट वाली लाइन पर 7.2 वोल्टेज। अब इस SMPS में थोड़ा लोड को भी टेस्ट करते हैं। ये 12 वोल्ट के दो लैंप लगा रखे हैं मैंने सीरीज में, ये पॉजिटिव साइड में है और ये नेगेटिव साइड में है। अब मैं सिर्फ डायरेक्ट लगाता हूँ लाइन को, और दोनों में आपस में वोल्टेज टेस्ट करते हैं। ये थोड़े डिम जल रहे हैं बल्ब। SMPS की जो ये IC है, यहाँ पर AP8022 IC, इससे मैक्सिमम पावर जो ले सकते हैं वो मैक्सिमम पावर 15 से 20 वाट तक की ही पावर ले सकते हैं। अगर इसकी जगह पर छोटे लैंप होंगे तो वो फुल जल जाएंगे, और अगर इससे भी ज़्यादा पावर की SMPS बनानी है तो इसी तरह से बना सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।